दर्शकों, 365 दिनों की यात्रा पूरी कर साल का समय चक्र उसी तारीख पर आके रुकता है। क्या आपने कभी सोचा है कब से 1 जनवरी को नया साल मनाने की प्रथा शुरू हुई, कहां से हुई इसकी शुरुआत और कैसे दिन बन गया खास? आइए जानते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट में। दरअसल माना जाता है कि 45 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य में कैलेंडर का चलन हुआ करता था। रोम के तत्कालीन राजा नूमा पोम्पुलिस के समय रोमन कैलेंडर में 10 महीने होते थे, साल में 310 दिन और सप्ताह में 8 दिन। कुछ समय बाद नूमा ने कैलेंडर में बदलाव कर दिए और जनवरी को कैलेंडर का पहला महीना माना गया। 1 जनवरी को नया साल मनाने का चलन 1582 ईस्वी सन के ग्रेगरियन कैलेंडर की शुरुआत के बाद हुआ। 1582 से पहला नया साल मार्च वसंत ऋतु पर शुरू होता था, लेकिन नुमा के फैसले के बाद जनवरी से साल की शुरुआत होने लगी। दरअसल मार्च महीने का नाम रोमन देवता मार्स के नाम पर रखा गया था, जो युद्ध के देवता थे। वही जनवरी रोमन देवता जेनेस के नाम से लिया गया था, जिनके दो मुंह थे, आगे वाला मुंह शुरुआत और पीछे वाला मुंह अंत माना जाता था। नुमा ने साल के आरंभ के लिए शुरुआत के देवता जेनेस का चयन किया और ऐसे जनवरी साल का पहला महीना बन गया। दोस्तों, दरअसल 1 जनवरी को नया साल मनाने का चलन ईस्वी सन 1582 के ग्रेगरियन कैलेंडर की शुरुआत के बाद हुआ। तो आइए जानते हैं कि ग्रेगरियन कैलेंडर कैसे बना। जीसस क्राइस्ट के जन्म से 46 साल पहले रोमन के राजा जूलियस सीजर ने नई गणनाओं के आधार पर नया कैलेंडर का निर्माण किया। इसका नाम गजेरियन ने ही 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की घोषणा की। धरती 365 दिन 6 घंटे सूर्य की परिक्रमा करती है। ऐसे जब जनवरी और फरवरी माह को जोड़ा गया तो सूर्य की गणना के साथ इसका तालमेल नहीं बैठा। इसके बाद खगोलविदों ने इस पर गहन अध्ययन किया, जिसके बाद सूर्य की गणना के आधार पर ग्रेगरियन कैलेंडर बनाया गया। किसी भी कैलेंडर को सूर्य चक्र या चंद्र चक्र की गणना पर आधारित बनाया जाता है। चंद्र चक्र पर बनने वाले कैलेंडर में 354 दिन होते हैं, तो वही सूर्य चक्र पर बनने वाले कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। ग्रेगरियन कैलेंडर सूर्य चक्र पर आधारित है। अधिकतर देशों में ग्रेगरियन कैलेंडर का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते हमारा साल पूरे 365 दिनों का होता है। तो वही 4 से पूर्ण भाग जाने वाले साल अर्थात लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों का होता है, जिसके चलते वह साल पूरे 367 दिनों का होता है। इस अधिक ग्रेगरियन कैलेंडर के साल में दिन नहीं होते। नए साल मनाने की कई मान्यताएं प्रचलित है और उसमें से एक हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। बहरहाल आपका नया साल खुशियों से संपन्न हो, यही शुभकामना। हैप्पी न्यू ईयर।